गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक स्विचेस। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बता रही हूँ। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, एक ऐसा उपकरण होता है, ऐसा डिवाइस होता है दैट इज अ यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने के काम में आता है। स्विचेस कम इन द वेरियस शेप्स, स्विच बहुत से शेप्स में आते हैं एंड साइजेस। समटाइम्स अ स्विच इज ऑल्सो रेफर टू अ की इन द इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम की भी बोलते हैं, इसको की से रेफर किया जाता है। यहाँ देखिए एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट आपको टू टाइप से बता रखा है। देयर इज अ टू वे ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट वन इज द, देखिए यहाँ पे क्लोज्ड की है, तो दैट मीन इज ये क्लोज्ड की का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, फ्लो कर रही है, तो ये जो यहाँ पर बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। लुक एट हियर, यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये देखिए इंडिकेट दिखा रखा है आपको कि बल्ब इज ग्लो। यहाँ पर देखिए, ये देखिए की को आप ध्यान से देखिए, की क्लोज्ड है, क्लोज्ड की। आपको सिंबल से, ये सिंबल होता है बैटरी का, ये बैटरी का सिंबल है, यहाँ पे की का सिंबल है, स्विच का सिंबल है, दैट इज अ क्लोज्ड की। ओके, यहाँ देखिए दिस वन इज अ ओपन की, ओपन की। तो यहाँ पर ये बल्ब क्या करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ओपन की इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी, आपको देखिए यहाँ पर एरो दिखा रखा है, एरो शो कर रहा है, यहाँ पर एरो शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर एरो शो, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फ्लो हो रही है। यहाँ पर देखिए नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ, यहाँ पर ये ओपन की है, यहाँ पर ये जो सर्किट है वो ओपन नहीं है, सर्किट जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं कर रही, फ्लो नहीं कर रही। ओके, सो व्हेन द की इज क्लोज्ड द इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीट एंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। द अप्लायंसेज लाइक द बल्ब और फेन दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट वर्क्स, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज की होगी, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होंगे वो क्या करेंगे, रन करेंगे, वर्क्स करेंगे। व्हेन द की इज ओपन, बट जब की ओपन होती है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट, तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है, नो करंट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता, एंड अप्लायंसेस डज नॉट वर्क, अप्लायंसेस वर्क नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए आपको, हाउ कैन इलेक्ट्रिक टोर्च वर्क, अब इलेक्ट्रिक टोर्च कैसे वर्क करती है वो देखिए। इलेक्ट्रिक टोर्च का बताया हुआ है यहाँ पर, देखिए, एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ अ टोर्च, इट हैज टू और थ्री सेल्स प्लेस इन अ सच अ वे दैट द पॉजिटिव एंड ऑफ द टोर्चेज आर द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर सेल, द सेल्स आर इन द सीरीज, यहाँ पे देखिए सेल्स सीरीज में लगाए हुए हैं, और पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। आपको पहले भी वीडियो में, पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव से ही इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से रन या फ्लो करेगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए, द सेल्स आर इन सीरीज, सेल्स सीरीज में है, दी सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच टू स्मॉल बल्ब, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल प्रेसेस अगेंस्ट द स्प्रिंग एट द बेस ऑफ द टोर्च। यहाँ पर देखिए कहा गया है आपसे कि यहाँ पर ये जैसे, यहाँ देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, दिस इज वन इज अ स्प्रिंग, दिस वन इज अ मेटल स्ट्रिप, ये देखिए मेटल स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। अब ये मेटल स्ट्रिप ए है, मेटल स्ट्रिप्स बी, ओके, तो एंड मेटल स्ट्रिप्स सी। अब देखिए यहाँ पर मेटल स्ट्रिप बी, ये देखिए इससे कनेक्ट हो रही है, यहाँ देखिए इस कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर देखिए मेटल स्ट्रिप फिर यहाँ कनेक्ट हो रही है, और फिर मेटल स्ट्रिप्स सी, देखिए मेटल स्ट्रिप्स सी कम्प्लीटली यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है, ये कम्प्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी मेटल स्ट्रिप्स है। ओके, मेटल स्ट्रिप्स का जो एंड पॉइंट है वो स्प्रिंग से, देखिए इस तरह से स्प्रिंग से किया हुआ है,
स्लाइड स्विच ऑन द ऑन पोजीशन। अब ये जो पोजीशन होता है आपको पता है इस तरह से स्लाइड होता है, तो जिस तरह जैसे ही स्लाइड होगा तो ये ऑन पोजीशन में हो जाएगी, और अगर जैसे ही इस तरह से अप होगा तो ये क्या हो जाएगी, ऑफ पोजीशन में हो जाएगा। यहाँ पर मेटल स्ट्रिप्स दिखाया हुआ है, यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि देयर आर द थ्री मेटल स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप ए बी एंड सी। ओके, मेटल मेटल स्ट्रिप्स बी एंड सी आर फिक्स्ड, वाइल मेटल स्ट्रिप्स ए कैन बी प्रेस्ड ऑन द मेटल मेड टू स्लाइड। यहाँ पर ये मेटल स्ट्रिप्स बी एंड ये जो सी है वो तो देखिए यहाँ पे फिक्स की हुई है, इस तरह से फिक्स की हुई है, बट मेटल स्ट्रिप ए जो है वो स्लाइडर है, यानी कि स्लाइड कर सकती है स्विच को ऑन करने में और ऑफ करने में। ओके, सो व्हेन द स्विच इज पुश्ड ऑन पोजीशन, जब स्विच को ऑन करते हैं मेटल स्ट्रिप ए पुश्ड फॉरवर्ड सो दैट इज द टचेस द बी सी एंड सर्किट इज कंप्लीट। जब यहां पर हम इसे पुश करते हैं तो ये बी और सी से कनेक्ट हो जाती है और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो रन करती है एंड बल्ब डज ग्लो, बल्ब ग्लो करने लगता है, टॉर्च बल्ब ग्लो, टॉर्च बल्ब ग्लो करता है। ओके, यहाँ पर इस तरह से ये ग्लास लगा हुआ होता है, ग्लास वे यहाँ पर ग्लास लगा हुआ होता है। व्हेन द स्विच इज पुश्ड द ऑफ पोजीशन द कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रिप्स ए एंड बी ब्रोकन एंड सर्किट इनकम्प्लीट, द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। ओके, यहाँ पर देखिए अब टॉपिक है आपका, आपको ये आई होप ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक टॉर्च का। कुछ भी नहीं है इस इलेक्ट्रिक टॉर्च को समझने में, आप इस तरह से इसको इजीली बना सकते हो। और यहाँ पर मेटल स्ट्रिप बी ए एंड सी का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से बनानी है, स्विचेस को किस तरह से प्लस और माइनस में किस तरह से कनेक्ट करने हैं सीरीज वाइज। इनसाइड व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च हैज कम्प्लीटेड हियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, व्हाट इज द मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं करंट को पास करने के लिए, इट इज कॉल्ड द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर यानी कंडक्ट करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले। ओके, अब इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम गोल्ड एंड सिल्वर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए द मेटल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स दैट मीन्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं रन करवाने के लिए, पास होने के लिए, इट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। इंसुलेटर ये कौन कौन से होते हैं, रबर ग्लव्स, वाइल सॉरी यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, ग्लास हुआ, रबर हुआ, ये पास नहीं करने देते अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक सिटी वाला वर्क करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप रबर ग्लासेस या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे आपको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आप स्लीपर क्यों यूज करते हैं, रबर स्लीपर, बिकॉज इट इज अ रबर इज अ गुड।